सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों MIUI 10 में अभी जो वीकली अपडेट है जो है 8/7/26 का अपडेट आज आ चुका है, तो मैंने अपडेट कर दिया है। तो इसमें क्या कुछ नया है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी की वीडियो लाता रहूँगा। तो मैंने पहले एक वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे इसे अपडेट करना है। तो आप डेवलपर जो मैं पहले बता दूँ, आप कॉमेंट में बोल रहे हैं कि कैसे अपडेट करना है, तो आपको पहले बता दूँ कि आपको जो डिवाइस है वो डेवलपर मोड में होना चाहिए, यानी कि ग्लोबल बीटा रोम में होना चाहिए, तो ही आप इसे अपडेट कर पाएंगे। यानी कि मैं बताना चाहूँगा कि आपका डिवाइस में यहाँ पे लिख कर आएगा जैसे MIUI 9.5 ग्लोबल या ऐसे लिख कर आएगा, जो स्टेबल लिखा होगा तो आप इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे MIUI 10। तो आपको बताना चाहूँगा, तो वैसे ही अपडेट आप कर दीजिए। वैसे ही आप इसमें अपडेट कर दीजिए जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टेबल में आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ग्लोबल वे बीटा में ही आप अपडेट कर पाएंगे, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आपको मैंने कमेंट की जो बात थी वो मैंने बता दी। तो आपको पहला जो वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपना रोम जो भी डिवाइस है आप उसमें इंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन आपको पहले वीडियो में मिल जाएगी। तो जो अपडेट आज आया है जो 8/7/26 का, तो इसमें आपको बताऊँ क्या कुछ नया है। तो हम व्हाट्स न्यू में जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया आया है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिख कर आया गया ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस फिक्स बग, जो पहले भी जो एक अपडेट आया था इसमें भी आपको वही सेम लिखा था। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा क्या कुछ नया फिक्स किया है इस फ़ोन में, तो मैं बताऊँगा कि आप कैसे इसे देखना है। तो मैंने कुछ लिस्ट पे लिख कर रखा है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है लिख कर रखा है जो है लिखा हुआ है पोर्ट्रेट मोड ऑन सेल्फी। तो आपको जो पहले सेल्फी नहीं मिली थी तो अब सेल्फी आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो जो रेडमी 4 डिवाइस है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बता दूँ कहाँ से आपको करना है। तो आप जैसे करेंगे तो आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट मोड में आप इसे कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें आपको एक ऑप्शन दूसरा मिल गया है जो वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का आप सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको FPS सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो FPS है वो 16 FPS तक का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो पे जाता हूँ, वीडियो के सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया, देखिए फुल HD 13 FPS, फुल HD 16 FPS और कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपको आ चुका है। तो ये दो ऑप्शन आ चुके हैं इसमें। तीसरा जो ऑप्शन है वो है, मैं आपको बता दूँ कौन कौन सा है। तो यहाँ पे लिख कर मैंने लिखा म्यूज़िक प्लेयर में मेनू ऑप्शन आ चुका है। तो आप देख सकते हो म्यूज़िक प्लेयर जैसे ओपन करेंगे तो पहले कोई ऑप्शन थे नहीं अभी तक। तो मैं किसी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, MP3। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले जो ऑप्शन नहीं थे, बहुत कम थे ऑप्शन, तो अभी जो एल्बम आर्टिस्ट शेयर मी लिंक और हेडफोन ऑडियो इफेक्ट स्लीप टाइमर सेट रिंगटोन, यहाँ से आप सेट रिंगटोन भी कर सकते हो। आपको मन हो कि रिंगटोन रखनी तो यहाँ से भी आप रख सकते हो। और रिमूव फ्रॉम क्यू, यानी ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे म्यूज़िक प्लेयर में। दूसरा जो अपडेट है वो है, मैं बता दूं कि आपको सर्च बटन नॉट वर्किंग, यानी कि ये बटन अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। अभी भी आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो ये मैंने बताया कि अभी Xiaomi को कर देना चाहिए पर नहीं किया अभी, तो ये पहले भी प्रॉब्लम था। तो आपको ये मैंने बताया था कि कैसे इसे करना है। तो आपको रिमूव करना है तो नोटिफिकेशन और स्टेटस बार में जाएगा तो आपको हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन शेड शॉर्टकट्स लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे सेटिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग का। अब हम
दोस्तों ये थी MIUI 10 की 8/7/26 की अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।